देख रहे हो रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर से तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा चर्चा करन जा रहे हैं। हुण तक दीआं वड्डीआं ते सियासी खबरां नूं लैके सब तो पहला गल करांगे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल पहली मुलाकात की गई है ते कई वड्डीआं मंगां उहनां दे अगे रखीआं गईआं ने कि इह मंगां पूरीआं होणगीआं इस नूं लैके विचार चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दी बेअदबी मामले नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों आम आदमी पार्टी दे बारे एक वड्डा खुलासा किया गया उस दे बारे चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे साबका विधायक पेंशन घपले नूं लैके आखिर यह घपला किन्ने पैसों का होया ते इहदे विच कौन कौन जिम्मेवार है इस नूं लैके चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे श्रोमणी अकाली दल दी। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों एक 16 मैंबरी कमेटी बनाई गई है, आखिर क्यों बनाई गई है इस दे बारे भी विचार चर्चा करांगे ते इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल शामिल ने सियासी माहिर डॉक्टर भीमेंद्र सिंह। सब तो पहला असीं प्रोग्राम दे विच उहनां दा स्वागत करदे हां। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद गुरप्रीत जी। डॉक्टर साहब जिस तरीके दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हां दे वल्लों प्रधानमंत्री दे नाल रस्मी तौर पर पहली मुलाकात की गई है ते वड्डियां मंगां भी रखियां गईयां ने खास तौर पर पैकेज नूं लैके तां किहड़ियां मंगां ने ते की इह मंगां पूरियां हो सकदियां ने? जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, देखो ये पहली मुलाकात जिवें तुसीं कह रहे हो कि भगवंत मान नूं क्योंकि हजे लगभग हफ्ता ही होया या हफ्ते तो भी कह दें कि घट होया है कि उन्हां दी घट सी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाल हुई है और इहदे दौरान जिहड़ियां गल्लां खुल के सामने आईयां ने वो यही ने कि एक तो बॉर्डर एरिया होने करके भगवंत मान होरां ने सुरक्षा के उत्ते जिहड़े ने वड्डे जिहड़े ने उन्हां तों हैल्प मंगी है। खास तौर पर आपां सारे जाणदे हां कि जिहड़ियां सुरक्षा एजेंसियां ने BSF हुई या होर जिहड़ियां इदां दी एजेंसियां ने सेंटर लैवल दियां उन्हां दी जिम्मेवारी जिहड़ी बहुत वध जांदी है और जदों तुसीं एक खास तौर पर बॉर्डर एरिया या बॉर्डर स्टेट हुंदे हो सो उस नूं लैके भी उन्होंने चर्चा की है और यही कहा कि आपसी भाईचारे नूं मद्देनज़र रखते हुए पंजाब दे लोकां दी जिहड़ी सुरक्षा है उस नूं वधाउणा और उस दी राखी करनी मैनूं लगता है कि दोवें सरकारां दी जिम्मेवारी है। उहदे विच स्टेट सरकार भी जिम्मेवारी उहदी वड्डी बनदी है और इस तरह सेंटर सरकार की भी जिम्मेवारी जिहड़ी हैगी है वह बनती है। सो यही गल्लां उन्होंने प्रधानमंत्री साहब दे अगे रखियां ने और प्रधानमंत्री जी ने भी यह उन्हां नाल वादा किया है कि इन्हां मंगां नूं बहुत संवेदनशीलता दे नाल विचारिया जाएगा और जो भी उन्होंने कहा कि तुसीं प्रस्ताव लैके आओगे साडे कोले उहदे उत्ते विचार की जाएगी। इस तरह जिहड़ी दूसरी वड्डी मंग उन्होंने यही की है कि लगभग पंजाब दे उत्ते इस वेले 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और यह कर्जा जिहड़ा आपां सारे जाणदे हां कि कर्जा मोड़न दे लई बहुत ज़्यादा पैसा जिहड़ा हैगा व्याज दे रूप दे विच अजाई जा रहा है। सो जदों असीं पिछले दिनों की गलबात देखते हाँ जदों कांग्रेस की सरकार हुंदी सी और पंजाब दे विच अकाली दल BJP की सरकार सीगी, सेंटर दे विच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सीगे तो उस वेले भी पंजाब नूं इस तरह के पैकेज जिहड़े सीगे मिलदे सीगे और आपां सारे जाणदे हां कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुल के पंजाब नूं पैसा दिता उन्हां दिनां दे विच, हालांकि सरकार विरोधी पार्टी की सी, कांग्रेस की सीगी और पंजाब दे विच अकाली दल BJP की सीगी। सो हुण भी यही तवक्को की जानी बनती है प्रधानमंत्री साहब तो कि ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ?
गुरप्रीत जी देखो ये कल्ले पंजाब की गल नहीं है। तुसी देखोगे कि पिछले कुछ सालों तो खास तौर पर जदों तो बीजेपी और मोदी सरकार सत्ता च आई है, वो सैकेंड टाइम आई है, और उस तो उस दौरान जिहड़ा हैगा जिहड़ा फैडरलिज्म है उहदे उत्ते जरूर सट वजदी नज़र आई है। और फैडरलिज्म यही कहिंदा, फैडरलिज्म यही कहिंदा है कि चाहे तुहाड़ियां स्टेटां और सेंटर दे जिहड़े तालमेल आ आपस दे विच ओह बहुत सुखावा होना चाहिए, और कोई भी स्टेट ता ही डिवेलप कर सकती है जेकर सेंटर जिहड़ा हैगा उहदी बांह फड़ेगा। और जिवें तुसीं देखिया है कि पिछले 6-7 सालों तो 8 सालों तो लगातार यही कोशिश की जा रही है कि सेंटर और स्टेट दे विच आपसी जिहड़ा पाड़ा है वह लगातार तुहानूं वधदा नज़र आया है। और यही कारण है कि पिछले 5 साल जदों कांग्रेस की सरकार भी रही है, हालांकि कैप्टन साहब के उत्ते दोष जरूर लगते रहे ने कि कैप्टन साहब बीजेपी की भाषा बोले ने और कांग्रेसी भी उन्होंने उत्ते इदां दे दोष लाते रहे ने। उदों भी समस्यावां आईयां ने वो पिछले 5 सालों के दौरान। सो जेकर हुण ये समस्यावां आउंदियां ने तां इहदे नाल मैनूं लगता है कि फैडरलिज्म के उत्ते सट वजेगी और पंजाब और केंद्र दे जिहड़े पंजाब और दिल्ली सरकार दे खास तौर पर जिहड़ी सेंटर की सरकार है उहदे विच आपसी दूरियां वधन दियां संभावनावां भी हैगियां ने। क्योंकि आपां इह नहीं कह सकते कि जो भगवंत मान ने मोदी साहब अगे प्रस्ताव रखे है वह पास किया जाएगा या उहदे उत्ते कोई बहुती सुनवाई हुंदी नज़र आएगी, इदां दियां कोई संभावनावां फिलहाल जिहड़ियां जे आपां पिछला रिकॉर्ड देखते हैं मोदी सरकार दा तां उहदे विच बहुता उन्होंने जिहड़ियां इदां दियां स्टेटां खास तौर पर पंजाब वर्गे स्टेट की बांह फड़दी फड़ी नज़र नहीं आई उन्होंने वालों। सो जी हुण आने वाले समय के भी इदां दियां कोई संभावनावां नज़र नहीं आउंदियां। हाँ जिहड़ा उपचारिक तौर पर उन्होंने जरूर कहा है कि असी बहुत संवेदनशीलता दे नाल तुहाडे प्रस्ताव नूं विचारांगे और जो तुसी प्रस्ताव लैके आओगे उहदे उत्ते गलबात होएगी और उहनूं बहुत ही तनदेही दे नाल लागू करन दी कोशिश करांगे। इदां दियां गल्लां जरूर होईयां ने पर प्रैक्टिकली की हुंदा है इह तां हुण समां ही दसेगा। गुरप्रीत जी जी बिल्कुल, ते नाल ही गल करांगे बेअदबी मामले नूं लै के नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों वड्डे सवाल आम आदमी पार्टी ते चुके गए ने, ते जिहड़ा उन्होंने ट्वीट किया उहदे विच वीडियो भी पाई है जिस दे विच अरविंद केजरीवाल जिहड़ी पिछली सरकार सीगी जदों चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री सन तां उदों कहिंदे नज़र आए कि यह जो बेअदबी का मामला है ये जो दोषी ने 24 घंटे के उन्होंने फड़िया जा सकता है। तो हूँ आम आदमी पार्टी की जिस तरीके सरकार आई है, हालांकि कुछ ही दिन होए ने इन्हों सत्ता संभालिया, तो जिस तरीके उन्होंने सवाल किया कि हूँ तो कौन रोक रहा, तो की लगता है क्योंकि अपने चैनल के वालों भी कुछ दिन पहला सवाल चुके गए थे कि आम आदमी पार्टी के वालों जिस तरीके की गल पहला कही गई थी हूँ सत्ता के आम आदमी पार्टी, तो की लगता है कि आने वाले दिनों के बेअदबी मामले के उत्ते कोई कार्रवाई हो सकती है। गुरप्रीत जी जिवें आपां पहलां भी गल कर रहे हां कि इस वेले आम आदमी पार्टी की सरकार दे उत्ते बहुत वड्डे चैलेंजेस ने, बहुत उन्हां नूं वड्डियां चुनौतियां ने। इकोनॉमिक आपां पहलां ही गल कीती और भगवंत मान ने भी यह गल कही है कल मोदी साहब नूं कि साढ़े उत्ते इस वेले 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, एक वड्डी चुनौती है। जदों तुहाडी इकोनॉमी सही ना होवे तां बहुत सारियां समस्यावां उहदे नाल होर जुड़ जांदियां ने। सो इस तरह बरगाड़ी कांड नूं लै के नवजोत सिंह सिद्धू वालों ये सवाल जिहड़े चुके गए ने, यह मैनूं लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहलां भी इस तरह के सवाल अपनियां सरकारां दे उत्ते चुकते रहे ने। कैप्टन साहब दी सरकार जदों कैप्टन साहब मुख्यमंत्री सीगे उदों भी उन्होंने इदां दे मसले चुके, और चन्नी साहब जदों मुख्यमंत्री बने उदों भी उन्होंने इस इदां दे सवाल चुके। और एक मैनूं लगता है कि पंजाब दे या खास तौर पर जिहड़े सिखां दीआं भावनावां नूं लैके जिहड़ा बरगाड़ी कांड होया उन्हां नूं लै के बहुत संवेदनशीलता पंजाब दे विच उस वेले वेखी गई सी। और इदां दे मसले उठाउणा मैनूं लगता है कि विरोधी धिर दा फर्ज़ भी हुंदा है, उन्हां दी ड्यूटी भी है, और वह फर्ज़ नवजोत सिंह सिद्धू अदा कर रहे हैं। पर हुण दूजे पासे जदों असीं देखदे हां तां मैनूं इह लगता है कि हजे क्योंकि जिवें तुसीं भी कह रहे हैं कि समां हजे बहुत थोड़ा है, 7 दिन भी नहीं होए, और आम आदमी पार्टी नूं मौका जरूर देना चाहिए है। क्योंकि जेकर इदां दे कोई जिहड़े वड्डे केस ने, चाहे बरगाड़ी केस है, चाहे ड्रग्स का केस है, चाहे माइनिंग का केस ने, ये जिहड़े गंभीर केस ने, माफिया नूं लैके केस ने, यह केस जिहड़े ने यह गंभीरता दे नाल और बहुत ही संवेदनशीलता दे नाल हल करने चाहिए ने। और इहदे विच इह हुंदा है कि कोई जिहड़ा नजायज़ बंदा है, जिहड़ा भी कोई ये ना होवे
कि कोई गलती दे नाल काली दे विच कोई ऐदां दा बंदा आ जाए जिहदा जिहनूं कोई सज़ा मिल जाए जिहदे जिहने कोई कसूर नहीं किया। सो इस करके बहुत गहराई दे नाल घोखण की परखण की लोड़ हुंदी है इदां दे केसां नूं। सो मैनूं लगता है कि हजे बहुत काली है कि आपां कहीए कि अज ही आम आदमी पार्टी जिहड़ी हैगी है वो फैसला हो जाएगा उहदा। पर हाँ, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पहला भी सवाल चुकते सीगे कि 75-25 चल रहे हैं, इसे करके जिहड़े मामले हल नहीं हो रहे, तो हुण जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो कोई 75-25 वाली गल भी नहीं लगती, तो कि उम्मीद जानी लगती है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही जिहड़ा बेअदबी मामले दे विच कोई इंसाफ कर सकती है आम आदमी पार्टी? जी देखो, बिल्कुल वड्डिया उम्मीदा ने। मैं फिर कहांगा कि आम आदमी पार्टी और विशेष तौर पर भगवंत मान होरां दे उत्ते बहुत वड्डिया उम्मीदा ने इस वेले पंजाबियों नूं, बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते उन्हां नूं पंजाब दे लोकां ने वोटां पाईआं ने और यही सोच के वोटां पाईआं ने कि ये जिहड़े भी मसले उन्हां ने उभारे सीगे पिछले दिनां दे विच, चाहे आम आदमी पार्टी ने होण, चाहे आपां कह सकदे हां कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब वल्लों मसले उभारे गए होण, ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਔਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 26,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦਰਜਾ 3 ਔਰ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? देखो ये आप कह सकते हैं कि जिहड़ियां पिछलियां सरकारां ने पहली गल तां जिहड़ियां सरकारां दे दौरान यह कपला होया है उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है और उन्हां सरकारां तों बाद जिहड़े वड्डे अधिकारी ने जिन्हां अधिकारियों के चैकों के उत्ते साइन होंदे होणगे फार्मां के उत्ते साइन होंदे होणगे उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है। सो इस करके आप कह सकते हैं कि जिन्ने जिहड़े भी लोग इहदे लई जिम्मेवार ने और इहदे लई टीम बननी चाहीदी है एस आई टी बननी चाहिए है ताकि एदा दुध दा दुध पानी दा पानी किया जा सके और लोगों के सामने सिंचाई लिया जा सके। सो इस करके सरकार नू आम आदमी पार्टी की सरकार नू इस वेले चाहिए है कि जेकर इदा दे कपले हुए ने तो उन्होंने उत्ते कमेटी बना के वह रिपोर्ट मंगी जाए जल्दी तो जल्दी समाबद्ध रिपोर्ट मंगी जाए और जिहड़े भी लोग इहदे विच दोषी ने उन्होंने सजावां दित्तियां जाण और जिहड़े भी जिन्ने भी पैसे फालतू गए हुए ने जिहड़े साबका विधायकों तो वह जिहड़े ने उन्हां तों वापस कराए जाण वह पैसा सरकारी खजाने दे विच वापस आवे ताकि उस पैसे दे नाल होर जिहड़े लोड़वंद लोग ने उन्हां दे मसले हल किते जा सकन। सो इस करके ये मसला जिहड़ा हैगा गंभीर मसला है पेंशन वाला और जिहड़े तुसीं दूजी गल कीती है कि एक विधायक नूं इक्को पेंशन मिलनी चाहिए है यह भी मैं लगता है कि आम आदमी पार्टी वालों एक चंगा फैसला किया जा सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों दे विच अपने वादियां दे विच एक गल्लां कीतियां सीगियां कि असी एक विधायक नूं इक्को ही पेंशन जिहड़ी हैगी है देवांगे। सो वह उन्होंने करन दी कोशिश कीती है आने वाले दिनों दे विच यह भी जिहड़ा हैगा मसला हल होएगा। सो इस करके आपां कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी नूं बहुत ही गंभीरता दे नाल इह सारियां चीज़ां नूं हल करन दी लोड़ है और उम्मीद करदे हां कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान होरां दी रहनुमाई दे विच इह सारे मसले लोकां दे हल करेगी। जी गुरप्रीत जी। जी बिल्कुल, ते नाल ही गल श्रोमणी अकाली दल की करांगे। जिस तरीके दे नाल वड्डी हार हुई है ना चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल दी, तां उस तों बाद एक 16 मैंबरी कमेटी बनाई गई है अकाली दल दे वल्लों इस मामले दे समीक्षा करन दे लई, तां की लगदा है कि जिहड़ी स्थिति श्रोमणी अकाली दल दी अज तों 10 साल पहला हुंदी सीगी कि उह स्थिति आउण वाले समें दे विच हो सकदी है जां फिर इस तों वी जिहड़े भयानक नतीजे नूं भुगतने पै सकदे ने अकाली दल नूं आउण वालीआं चोणां दे विच? गुरप्रीत जी देखो, जिथों तक श्रोमणी अकाली दल दे इस जिहड़े हालात पैदा हुए ने इह उन्हां दा संबंध है, इहदे पिछे एक कारण नहीं है, इहदे पिछे बहुत कारण ने। बेशक उन्होंने कमेटी बनाती 16 मैंबरी बनाउण, 5 मैंबरी बनाउण, 10 मैंबरी बनाउण, उह इक वक्खरी गल है, पर जिस तरह दीआं समस्यावां दा सामना करना पै रिहा है इस वेले अकाली दल नूं, उह पहली गल तां उह इह है कि इह खास तौर ते अकाली दल ਨੂੰ ਦੋ ਥੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਥੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ 3 ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ
और आप सारे जानते हैं कि तीन कला काले कानूनों के पक्ष के अकाली दल लगभग 2-2.5 महीने लगातार प्रचार करता रहा और उन्होंने जो लिया दे बीबी हरसिमरत का जोड़ा है हाथ धोन दल गई उस वे भी किसानों वालों और बाद दे जाके जो बहुत जिमें आप कहते हैं कि पानी सिर तो लंघ गया उस वेले अकाली दल ने इस्तीफा दिता। अकाली दल के जोड़े उस वे लोग सभा के जोड़े मैंबर भी सी और मिनिस्टर साहबान बीबी हरसिमरत बादल जी उन्होंने इस्तीफा देता पर उदों तक जोड़ा है तीर कमान के निकल चुकया लोग उन्होंने जोड़े से उस तरह जोड़े खास तौर पर किसानी जी हैगी है वह उन्हों का मोह भंग अकाली दल तो हो चुकया और ये वड्डे थम गिरन करके वोट बैंक के अकाली दल नू बहुत वड्डा नुकसान इन्हां चोणां दे विच जिहड़ा सीगा उह सहना पिया और 3 सीटां दे उत्ते सिमट के रह गया अकाली दल। सो कहण दा मतलब है कि जां तां अकाली दल नू जिहड़े मुद्दे जिन्हां करके अकाली दल जाणिया जांदा सीगा जिन्हां कुरबानियां करके जाणा जांदा सीगा जिन्हां संघर्षां करके जाणिया जांदा सीगा खास तौर ते किसानी दे संघर्ष और जिहदे विच पंथक दे नां दे उत्ते आपां कह सकदे हां कि सिख पंथ दे नां दे उत्ते वड्डे संघर्ष जिहड़े लड़े ने और कुर्बानियां कीतियां सी उस तरह के जिहड़े जे मसले नहीं उठाउंदा अकाली दल और जेकर इदां ही वो सिर्फ बयानबाजियां तक सीमित रहेगा या उस तो बाद तुसीं देखिया होएगा कि अकाली दल दे विच वड्डा परिवर्तन परिवारवाद का भी आया और इको परिवार नूं जदों तुसीं अगे लैके आउंदे हो इको परिवार के मैंबर टिकटां दे विच भी अगे आ रहे ने और जिहड़ियां जथेबंदक ढांचे दे विच जो पदवियां देणियां ने उहदे विच भी उही लगभग तुहानूं दिखाई देणगे तो उत्थों लगता है कि अकाली दल नूं बुनियादी चेंज जिहड़ी हैगी है बुनियादी ढांचे दे विच चेंजिस जिहड़ियां ने उह लिआउणियां पैणगियां जेकर अकाली दल आउण वाले दिनां दे विच अपने आप नूं स्थापित करना चाहुंदा है। नहीं तां की होएगा कि नहीं तां जिवें पहलां आपां सारे जाणदे हां कि स्टेट दे विचों उहनां दी सत्ता खुसी है इसे तरह SGPC दे विचों भी उहनां दी सत्ता जिहड़ी हैगी है आउण वाले दिनां दे विच खुस सकदी है और इदां दी इशारा प्रकाश सिंह बादल साहब वह अपने स्पीच दे विच कर चुके ने अपने बयान दे विच कर चुके ने सो वह डर जिहड़ा हैगा बिल्कुल इस वेले यह गल सही है कि SGPC दीआं जे चोणां हुंदीआं ने आउण वाले दिनां दे विच तां उत्थे भी अकाली दल नूं बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा खतरा खड़ा हो सकता है जिवें दिल्ली दे विच दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी टुटी है और दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विचों अकाली दल दा जिहड़ा हैगा बहुत वड्डा नुकसान होया है तां उस तरह दीआं संभावनावां पंजाब दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच भी होण दीआं संभावनावां दिखाई दे रहीआं ने इस वेले गुरप्रीत जी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जेकर SGPC दे चोणां हुंदीआं ने तां उस दे विचों भी अकाली दल नूं जिहड़ा नुकसान है हो सकदा। बहुत बहुत धन्नवाद डॉक्टर साहब तुहाडा इस प्रोग्राम दे विच कीमती समां देण दे लई। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी धन्नवाद। तां साडे नाल सन डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जो कि सियासी माहिर ने जिन्हां ने हुण तक दीआं सियासी खबरों नूं लैके विचार चर्चा की है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी दे विच की कुछ चल रहा है बाकी सियासी पार्टियां दे की हालात नज़र आ रहे हैं की अंदरूनी हालात ने उसनूं लैके चर्चा की है। तो लगातार जुड़े रहो रोज़ाना लोकनाथ टीवी नाल हुण दिओ इजाजत धन्यवाद।